तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे लैबकेयर 337 के कार्टेज को किस तरह से रिफिल किया जाता है। अगर आपके पास नया कार्टेज है तो ये जितने भी आप ऑरेंज लीवर्स देख रहे हैं इसे आप पकड़ के खींच दीजिएगा तो एक पतला सा पन्नी जैसा वो निकल जाएगा। तो इसमें जितने भी ऑरेंज ऑरेंज लगे हुए सभी को खींच के निकाल देना है और आपका कार्टेज रेडी हो जाएगा। आप इसे प्रिंटर में सीधे सीधे डाल दीजिए और वो काम करने लगेगा। लेकिन अगर आपको इसे रिफिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये लैबकेयर 337 का ही कार्टेज है लेकिन ये पुराना वाला कार्टेज है। तो इसको जब हम लोग खोलते थे तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो ये दो नट वाला जो जगह देख रहे हैं इसमें से पहले नट को हम लोग खोल देते थे। तो जब आप पहले नट को आप खोलते हैं और इसके बाद आप इस लॉक को यहां से निकाल देते हैं इस तरह से कुछ, तो ये कैप अपने आप यहां से निकल जाता था और इस कैप को निकालने के बाद फिर हम इस कार्टेज को खोलते थे। लेकिन जो नया कार्टेज आ रहा है इसमें ये लॉक सिस्टम ही नहीं है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये भी लैबकेयर 337 का है लेकिन अगर आप यहां पे देखिएगा तो कोई जॉइंट नहीं है, तो इसको हम लोग निकाल ही नहीं पा रहे अभी। तो इसे कैसे रिफिल करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले यहां पर और यहां पर इन दो साइड में इसका दो लॉक रहता है, इस लॉक को आपको खींच के निकाल देना है। तो चलिए इसके लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर का हेल्प लेते हैं और यहां से हम इसे ऐसे करके घुसा के लीजिए, ये पहला लॉक निकल गया और यहां से अभी हम इसका दूसरा लॉक को निकाल देंगे। तो लीजिए ये दूसरा लॉक निकल गया। अब देखिए कितने आराम से ये दो पार्ट में अलग हो जाएगा, तो बड़े आसानी से आप इसे खोल सकते हैं। अब इसके बाद ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि इस रोलर को कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर ये जो साइड आप देख रहे हैं क्योंकि इस साइड से तो ये खुलेगा नहीं कि इसको हम निकाल सके, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से इसे निकाल देंगे। तो इसको हम लीजिए थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। कार्ट्रिज जब भी आप रिफिल करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी उसके पुर्जे नट बोल्ट्स निकलेंगे आप सभी को बड़े अच्छे तरह से रखिएगा, कोई भी नट्स या कोई भी पार्ट हराना नहीं चाहिए। अगर ये हरा जाएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसका सेटिंग करने में। जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ से खोलेंगे वहीं वहीं से वापस से आपको रख देना है। और इसके बाद देखिए ये लूज हो गया है और आप इसे हल्का सा अपने हल्के हाथों से इसको अपने तरफ खींचते हुए अलग कर दीजिए, देखिए अलग हो गया। और इसके बाद आपको इस रोलर को क्या करना है, ब्रश से साफ कर देना है। और इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने हाथों से ऐसे करके साफ कर लीजिए और ये साफ हो जाने के बाद आप इसे साइड में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा किसी भी पार्ट्स पर स्क्रैच ना आए, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो एक दागी जैसा आएगा। अब इसे जो है हम लोग यहां से अलग कर लेते हैं, लीजिए भी अलग हो गया और इसे भी हम लोग पोंछ लेते हैं और पूछते हुए उसे साफ जगह पर रखते रहे। और इसके बाद ये दो नट हम लोग को यहां से खोलना है, तो हम लोग इसे ऐसे करके खोल लेते हैं। और सारे नट को आप अच्छे से संभाल कर रखिए। और इसके बाद आप इसे ऐसे करके यहां से निकाल सकते हैं, देखिए ये यहां से निकल गया। अब इसके बाद आप जो ये देख रहे हैं इसके अंदर में डस्ट रहता है, अब ये वेस्ट डस्ट है, आप इसका यूज दोबारा से मत करिएगा अपने कार्टेज को रिफिल करने के लिए, इसे आप फेंक दीजिए। और इसे फेंकने के बाद आप इसे अपने ब्रश से साफ कर लीजिए, इसका काम हो गया। अब हम लोग इसे भी साफ कर लेते हैं। अब यहां पर इस पे भी दागी ना है इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, तो सारे चीजों को हम लोग बड़े सावधानी से साइड में रख देंगे। लीजिए अब ये हो गया, अब हम लोग इसे वापस से अब इसे वापस से हम बंद कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग पहले खोले थे वैसे ही इसे हम बंद कर देंगे। तो सबसे पहले इस वाले को यहां पे लगाएंगे, आप यहां पे देख सकते हैं इसका दो नॉच है, इसी दो नॉच पर हम लोग इसे बैठाएंगे। तो लीजिए ये यहां पर बैठ गया, आप देख सकते हैं नॉच अपने जगह पे आ गया है। अब हम लोग इसमें नट टाइट करेंगे, तो ये रहा मेरा नट, हम इसे स्क्रू ड्राइवर में फंसाते हैं और
ये लीजिए। ये रहा दूसरा नट, ये हो जाने के बाद अब आपको इसे लगाना है। आप इसे यहां पर सटाकर आप थोड़ा सा दबाइएगा तो देखिए ये यहाँ पे दोनों तरफ से जाम हो गया है, अब ये नहीं निकलेगा। अब इसके बाद आपको रोलर लगाना है, तो रोलर का जो ये साइड है ये इसके अंदर में फिट बैठेगा, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं इसे हम लोग इस साइड की ओर रखेंगे। तो लीजिए ये यहाँ पे गया और हम लोग इसको यहाँ पे कर दिए। अब इसके लिए स्टील का जो प्लग, सॉरी स्टील का जो ये लॉक है इसे हम लोग लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रोलर को दबा रहे हैं, सेट कर रहे हैं और यहाँ से हम इसे लीजिए, ये रेडी, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसे आप साइड में रख दीजिए। अब इसके बाद मेन रिफिल करने का काम करना है। तो इसे हम लोग रिफिल कैसे करेंगे, तो रिफिल करने के लिए यहां पर जो आप ये नट देख रहे हैं आप इस नट को ओपन करिए। तो इसे हम यहां पर स्क्रू ड्राइवर रखे और धीरे से इसे हमने इसे खोल लिया। अब देखिए यहां से ये अलग हो जाएगा। अब जब ये अलग होगा यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आप इस मैग्नेट को पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप नॉच देख रहे हैं यही नॉच इसके अंदर में फिट होता है। आप अगर ध्यान से देखिएगा इसके अंदर में तो एक आपको नॉच में खांचा जैसा दिखेगा और इस खांचे को इसके साथ फिट करना होता है। जब ये दोनों आपस में यहाँ पे आप देखिए कि ये जब यहाँ पे फिट बैठ रहा है और ये वाला जो नॉच है इस होल के अंदर में जा रहा है, तो देखिए बड़े आराम से ये यहाँ पे फिट हो गया, देखिए हिल नहीं रहा है। लेकिन अगर ये जो आपका मैग्नेट है अगर थोड़ा सा ये घूम जाएगा, देखिए अब ये इस साइड की ओर आ गया है, और जब हम अब इसे बैठाएंगे तो ये नहीं बैठेगा। देखिए अब ये नहीं बैठ रहा है, इधर से देख सकते हैं आप जाम रहे, इधर तो फिट हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए कितना लूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैग्नेट को आगे पीछे करते हुए इसे एडजस्ट करना है। देखिए अब ये ऊपर की ओर है, अब मेरा जो ये बैठेगा ये देखिए यहाँ पे बैठ के आराम से, है ना। तो इस तरह से इसे हम लोग खोलते हैं। तो चलिए हम लोग रिफिल का काम करते हैं, पहले इसे अलग कर लेते हैं, ये अलग हो गया। और अब हम लोग मैग्नेट को अच्छे से पकड़कर इसे साइड में रख देंगे। तो ये थोड़ा सा नाजुक काम है, इसे थोड़े ध्यान से करिएगा। लीजिए साइड में रख दिए हम लोग इसे। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी जगह पे हम लोग रिफिल करते हैं। तो हमको जो टोनर अभी डालना है इसी के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं यही है IHP 057 का ये टोनर है जो इसके अंदर में रिफिल होगा। इसके लिए हमको क्या करना है, कैप खोल लेते हैं और इस सील को हम लोग यहां से काट के निकाल देते हैं। ये निकल गया और उसके बाद आपको ऐसा एक कीप का जरूरत पड़ेगा। आप इसे जहां से आप टोनर लीजिएगा उसी दुकान में आप कहिएगा कि हमको कीप चाहिए, तो वो आपको दे देगा और इसे आप यहां पे लगा लीजिए। और अब आपको ये पूरा का पूरा टोनर इस कार्टेज में डाल देना है। चलिए फिर ध्यान से करिएगा ताकि टोनर बर्बाद ना हो। काम करते समय बहुत ज्यादा डस्ट हो जाता है तो आप इसे साफ कर लीजिएगा।
लीजिए ये खाली हो गया। अब हम लोग इसमें लगाएंगे मैग्नेट। तो ये रहा मेरा मैग्नेट। अब इस मैग्नेट का जो ये दांत आप देख रहे हैं, ये तो समझ में आ ही रहा है कि इस दांत के साथ ये बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दे। देखिए यहाँ पर एक होल आपको दिखेगा, इस जगह पर आपको एक होल दिखेगा। तो जो हमारा मैग्नेट का दांत है वो उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे और दूसरा साइड यहाँ पर उसका इस साइड में स्प्रिंग रहेगा। तो देखिए हमने इसे यहाँ पर डाला, इसे हमने यहाँ पर बैठाया और ये जो कैप है इस कैप को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लूज होता है तो निकल जाने का डर रहता है। और ये जो नॉच है इसको हम लोग थोड़ा सा बीच में कर देते हैं। लीजिए बीच में आ गया। अब कैप लगा के देखते हैं। लीजिए एक बार में फिट बैठ गया। तो आप जब इसको लगाएं तो आप यहां पे देखिए इस स्प्रिंग के सीध में ही ये स्प्रिंग होता है। तो आप इसके सीध में आप इसको रखिएगा, देखिएगा कि ये कैसा सीध बैठा है और उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते। तो देखिए ये दोनों एक सीध में आ गया, ये नॉच यहाँ पे आराम से बैठ गया और इस तरह से अभी हम इसे टाइट कर देंगे। तो ये रहा मेरा नट, इसे हमने यहाँ पे फंसाया। चलिए और इसको भी हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे। जब आप कार्ट्रिज को रिफिल करें तो अपने दिमाग को शांत रखकर करें। तो ये नट लग जाने के बाद अब आप कार्ट्रिज के ऊपर में जो भी टोनर का डस्ट है उसे आप ब्रश से साफ कर लीजिए। तो हमारा दो पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे इसे हटा के पकड़ लेते हैं और देखिए ये जो आप खांचा देख रहे हैं, एक ये जगह और एक ये जगह, इन्हीं दो जगहों पर स्प्रिंग बैठता है। तो आपको कैसे समझ में आया, जब इसको ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए ये स्प्रिंग यहाँ पे घुसने वाला है। ठीक है, देखिए ये जो लीवर्स आप देख रहे हैं इन्हें भी आपको ऐसे करके एडजस्ट करना है। तो लीजिए स्प्रिंग को हम अपने जगह पर रख लेते हैं और इसे हम अपने तरफ खींचते हैं और इस स्प्रिंग को अंदर में घुसा देते हैं। लीजिए ये रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सारे लॉक्स लगा देने हैं। तो ये रहा मेरा एक लॉक, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चिपका हुआ है, यहाँ पे भी चिपका हुआ है, तो ये इसी का जगह है। तो हम लोग इसको ऐसे करके थोड़ा सा दबाते हैं, ये होल अभी क्लियर दिख रहा है और इसके अंदर हम इसे बैठा देते हैं। लीजिए एक लॉक बैठ गया। दूसरे साइड पर हम आते हैं और यहाँ पे भी इसे हम थोड़ा सा दबाते हैं और इसे भी ये लॉक पे हम ये लीजिए ये भी दब गया, इसे भी हम यहाँ से दबा के टाइट कर देते हैं। लीजिए ये इधर से टाइट हो गया है, ये इधर भी टाइट हो गया है और ये देखिए ये आराम से खुल गया है। तो इस तरह से आपका जो ये कार्टेज है अब ये रेडी है प्रिंट करने के लिए। लीजिए इंक भी नहीं गिर रहा है। तो आप हमारे हार्डवेयर कोर्स में आइए, हम आपको पूरे तरह से सीपीयू को खोलकर बनाना सिखाते हैं। और अभी हमारा इंग्लिश टाइपिंग का एक वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है 6 तारीख से। इसे जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए। धन्यवाद।